दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको एक मेल मिल रहा होगा यूट्यूब की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा होगा कि हमारे टर्म एंड कंडीशन हैं वो 10 दिसंबर 2019 से बदलने वाले हैं। तो यहाँ पे इन टर्म एंड कंडीशन में सबसे खतरनाक बदलाव होने वाला है वो ये है कि भाई यूट्यूब को 10 तारीख के बाद ये एक्सेस भी मिलने वाला है कि भाई अगर यूट्यूब को उसको फ़ायदा होते हुए नहीं दिख रहा है आपके चैनल से, तो फाइनली वो आपके चैनल का एक्सेस हटा सकती है, यानी कि आपके यूट्यूब चैनल को डिलीट भी कर सकती है। तो चलिए समझते हैं थोड़ी डिटेल में इस बात को कि क्यों किया जा सकता है आपका चैनल और कब किया जा सकता है आपके चैनल को डिलीट यूट्यूब की तरफ से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवल लोधी। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पर भाई यूट्यूब के नए टर्म एंड कंडीशन में यूट्यूब का कहना है कि भाई 10 दिसंबर 2019 से अगर आपके चैनल से हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम आपके चैनल को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे YouTube ने ज़्यादा खुलासा नहीं किया इस बात में, सिर्फ इतना ही बोला है कि अगर आपके चैनल से हमारे लिए कोई फायदा होते हुए नहीं दिखता है तो आपके चैनल का एक्सेस बंद किया जा सकता है, आपके चैनल को डिलीट किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन चैनलों में कौन से चैनल आएंगे, तो यहाँ पे देखिए नए चैनल तो नहीं आएंगे क्योंकि YouTube का रूल्स ही है कि आपको एक साल के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना पड़ेगा और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने पड़ेंगे। तो एक साल की लिमिट के अंदर तो वो चैनल कोई से नहीं आएगा जिसको YouTube डिलीट करेगी, क्योंकि YouTube को भी अपना रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत उन चैनलों के लिए आ सकती है जो चैनल बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, एक साल से ज़्यादा हो गए हैं, जिनके पास 1000 सब्सक्राइबर भी हैं, अच्छे खासे व्यूअर्स भी आ रहे हैं, 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा भी हो गया, लेकिन उनके चैनल पे कोई प्रॉब्लम है, या तो यूट्यूब डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से उनके चैनल के जो मोनेटाइजेशन है उसको अप्रूव नहीं कर रही है, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी ऐप से बिजनेस कर रहे हैं, किसी ऐप का रिव्यू कर रहे हैं, यूनिट बना रहे हैं, किसी के लिए वीडियो बना रहे हैं, वहाँ से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिसका भी चैनल है वो दूसरी पार्टी से पैसे ले रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है लेकिन अपलोड कर रहा है YouTube पे, लेकिन YouTube को नहीं हो रहा है कोई भी फायदा क्योंकि उसका नहीं है चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन। तो ऐसे चैनलों पे सबसे पहले एक्शन ले सकता है YouTube। अभी तक YouTube पे क्या होता था कि आप कितनी भी वीडियो अपलोड करते रहिए, एक साल दो साल इंतजार करते रहिए, भाई कभी ना कभी आपका YouTube पे मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। लेकिन अब डे बाय डे YouTube डिफिकल्ट होता जा रहा है। पहले 4000 घंटे का वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर थे तो लोग बाग उसको भी पार कर लेते थे धीरे धीरे। तो इसके बाद YouTube ने रख दिया भाई डुप्लीकेट कंटेंट। अब जब भी चैनल रिव्यू के लिए जाता तो वहां से रिप्लाई दे देते डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से आपके चैनल को अप्रूव नहीं किया जा सकता। तो आधे लोग इसी को नहीं समझ पाते हालांकि उनके चैनल पे डुप्लीकेट कंटेंट है कौन सा पूरा। फाइनली YouTube ने भाई एक शर्त और ऐड कर लिया, उन्होंने अपने पास ये भी अधिकार ले लिया कि अगर आपके चैनल से हमको कोई फायदा नहीं होता है हम डायरेक्टली आपके चैनल का एक्सेस भी बंद कर सकते हैं, आपके चैनल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे आखिरी में यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपका YouTube पे चैनल है और आपका मोनेटाइजेशन अभी तक इनेबल नहीं हुआ है तो आप क्लियरली वीडियो बनाएं, उसमें जब भी आपका चैनल YouTube टीम के पास रिव्यू के लिए जाए तो पहली बार में रिव्यू में पास हो जाए, ना कि डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से आपके चैनल को वो रिजेक्ट करें। इसलिए क्लियरली वीडियो बनाएं जिससे कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए और आप भी पैसा कमा सके, YouTube भी पैसा कमा सके और आपके चैनल को डिलीट होने का कोई डर ना रहे। तो दोस्तों, यही है आने वाला नया अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है नया अपडेट। बेसिकली अच्छा तो है नहीं, क्योंकि जिनका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ने वाली है, अपने चैनल को भी खो सकते हैं वो। फिर भी बताइए आपको कैसा लगता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।